भारत में चाय एक बहुत ही पॉपुलर और पसंदीदा ड्रिंक है। चाय भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित है और यह लोगों के दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन ज्यादा चाय या कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि दोनों ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा भी होती है और कुछ लोगों को चाय की इतनी आदत हो जाती है कि वे दिन में 4 से 5 कप चाय के पी जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, और कैफीन सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये कई तरह के ड्रिंक या पेय में पाई जाती है। चाय या कॉफी में सबसे जरूरी बात यह है कि आप किस वक्त इसे पी रहे हैं। एक इंसान के लिए 400 ग्राम कैफीन हेल्दी है। अगर आप इससे ज्यादा पीते हैं तो यह सेहत के लिए हानिकारक है। तो आए जानते हैं चाय छोड़ने पर दिखने वाले बदलाव। चाय पीने के बाद आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है शरीर के अंदर जाकर यह तनाव बढ़ाती है और इस कारण से बार बार चाय की तलब लगने लगती है। जब आप चाय पीना छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद ही आपके शरीर का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जिससे आप शांत महसूस करने लगते हैं, और चाय छोड़ने के लगभग 1 महीने के अंदर ही आपकी चिंता या डिप्रेशन में कमी आने लगती है। यदि आप चाय छोड़ देते हैं तो आपके दांतों की सड़न, बदबू, पीलापन, कैविटी आदि सभी पर रोक लग जाएगी। चाय से मसूड़े तेजी से खराब होते हैं और इससे वक्त के पहले ही दांत हिलकर निकलने लगते हैं। इसमें एसिड भी होता है जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। चाय छोड़ने से धीरे धीरे दांत मजबूत होकर साफ होने लगते हैं। चाय में ज्यादा मात्रा में शुगर होता है और साथ ही एसिडिक होने के कारण यह मुंह के अंदर बदबू पैदा कर देती है। चाय पीने के कारण दिन भर मुंह में स्वाद रहता है और बदबू रहती है। वहीं चाय छोड़ने के कुछ दिन बाद ही आपको फ्रेश महसूस होने लगता है और सुबह उठने के बाद भी मुंह में बदबू नहीं होती है। चाय में निकोटिन और कैफीन होता है। निकोटिन जहां आपको नर्वस करता है, कैफीन वहीं आपको एनर्जेटिक बनाता है। इससे आपका एनर्जी लेवल अनबैलेंस हो जाता है। चाय छोड़ने से यह एनर्जी लेवल सुधरने लगता है और आप में फिर से वही ताजगी एवं स्फूर्ति आने लगती है जो किशोरावस्था में हुआ करती थी। और चाय छोड़ने से व्यक्ति के हार्मोनल बैलेंस में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। बता दें कि चाय के अंदर पाए जाने वाला कैफीन हार्मोन्स को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक समस्या और दिमाग की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति चाय छोड़ देता है तब उसकी नींद की गुणवत्ता में सुधार आना शुरू हो जाता है। बता दें कि चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है। ऐसे में ज्यादा मात्रा में चाय पीने से व्यक्ति के शरीर में कैफीन भी मात्रा बढ़ने लगती है और नींद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में जब व्यक्ति चाय छोड़ देता है तो उसके शरीर में कैफीन नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति की नींद पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। चाय छोड़ने के 1 माह बाद आपके पाचन तंत्र में भी सुधार होने लगेगा। इससे कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या से भी व्यक्ति धीरे धीरे छुटकारा पा लेता है। यह आंतों में सड़न को भी रोकता है, यानी चाय कॉफी दांतों की तरह ही आपकी आंतों में भी सड़न और बदबू पैदा करती है। चाय में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और कई बार चाय पीने के कारण भी इससे शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं जब आप चाय पीना छोड़ देते हैं तो शरीर को कैलोरी कम मिलती है और इससे शरीर के वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।